चार तीन दो एक, पांच बज गए। अपना भी टाइम हो गया। चलो भाई लोग, बाय। आनंद बाबू समय के बड़े पाबंद हैं, एक सेकंड आगे ना एक सेकंड पीछे, पांच बजते ही निकल पड़ते हैं घर की तरफ। जाते तो हैं टाइम पर आते बहुत लेट है। नहीं नहीं, शादी हुई है, बीबी द मामला है, शुरू शुरू का जोश है, बाद में तो बीवी का नाम याद आते ही बुखार चढ़ाया करेगा। क्या हुआ आशुतोष? कुछ नहीं, ऐसे ही बस थोड़ा ख्यालों में खो गया था मैं। हेलो आशुतोष, नेहा, मैंने कितनी बार कहा कि तुम मुझे दफ्तर में मत फोन किया करो। प्लीज डू नॉट कॉल मी एट द ऑफिस, डू नॉट डिस्टर्ब मी। हाँ, तुम्हारी अंगूठी ले आऊंगा, भूला नहीं हूं मैं। नहीं, आज रात जल्दी नहीं आ पाऊंगा, थोड़ी देर हो जाएगी। ओके बाय। मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं कि तू बहुत टेंशन में है। कम मेरी बात सुन। घर में कुछ गड़बड़ चल रही है क्या? यार एक रात का रोना होता तो बात ही कुछ और है, यहां तो रोज रोज की चिक चिक, ये ले आओ वो ले आओ। साला पति ने नौकर समझ रखा मुझे, जीना हराम कर दिया मेरा। अपनी जिंदगी तूने खुद हराम की हुई है यार। घर में अच्छी खासी बीवी है और तू उस मलिका के चक्कर में पड़ा हुआ है। या मलिका कहां से बीच में आ गई? देख, दो नाव में सवारी मत कर। क्या हाल बना दिया तूने अपना? जरा जरा सी बात पे तुझे गुस्सा आता है, टेंशन में रहता है। मुझे तो लगता है नेहा को तेरे इस चक्कर का पता लग गया है। क्या मतलब? हम लोग एक ही कॉम्प्लेक्स में रहते हैं और फिर तुझे किसी ने उसके घर से आते जाते देख लिया तो? और ऐसी बातें छिपाई छिपती नहीं है। मैं तेरे लिए नेहा से और झूठ नहीं बोल सकता। उस दिन तू मलिका के घर पर था, नेहा ने मुझे फोन किया था, उस दिन तो मैंने किस तरह से बात को संभाल लिया था। अगर नेहा घर पे आ जाती तो उस औरत का चक्कर छोड़ दे और अपने घर को बर्बाद मत कर। नेहा ने तुझे अंगूठी लाने के लिए कहा है ना, पहले तू वो कर। लाऊंगा ही वो तुम्हें। और एक बात और सुन, आज ही मलिका से मिलकर सारी बात साफ कह दे और मामला खत्म कर दे। समझ तो ठीक कह रहा है, आज रात ही मलिका से मैं अपना रिश्ता तोड़ दूंगा, किस्सा खत्म बस। आशुतोष, तुझे लगता है कि बड़े आसानी से तेरे पीछे छोड़ देगी वो बहुत खतरनाक औरत है। ये मेरा घर है, कोई होटल या सराय नहीं। जब दिल में आ चले आए और जब दिल में जा चले गए, तुम मुझे बदनाम करके शराब का नका बोलना चाहते हो? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मलिका देखो क्या कर रहा है। छोड़ूंगी नहीं, प्लीज मेरी बात को समझ। छोड़ूंगी नहीं, तू अपने आप को समझता क्या है? मलिक, तूने मुझ पर हाथ उठाया, मुझ पर, मुझ पर मारा। तू तो तरीके की औरत, अपने आप को समझते क्या तू है? क्या समझते तू अपने आप को? तू मेरे पास उठाएगी? समझते क्या तू? छोड़ो मुझे, तेरे को मैं समझे? तू इतनी आसानी से मुझे छोड़ भी नहीं सकता। अब तो समाज में अपनी इज्जत बहुत प्यारी है ना तुझे, देखना दुनिया वालों के सामने किस तरह तेरी नाक काटती हूँ। अगर मेरे घर वालों के सामने या मेरे बारे में अगर तुमने कुछ जुबान भी अगर खोली ना, तेरी जुबान क्यों चलूंगा? जब से वालों का तेरे समझे ऐसी हो, आइंदा कभी मेरे रास्ते में नहीं आना।
कमीना अपनी बीवी की अंगूठी यही भूल गया, लेकिन उस बेवकूफ को ये नहीं मालूम कि अंगूठी अब उसे वापस नहीं मिलेगी। आ गया अंगूठी लेने के लिए। मिल गई फुर्सत तुम्हें घर आने की? कहाँ थे अब तक? समेश के घर पे था। नहीं, अगर यकीन नहीं है तो फोन करके पूछ लो। ये चेहरे पे क्या हुआ तुम्हारे? ये मैं वो यूं बस पैर फिसल गया था तो चोट आ गई। चोट आ गई? कितने झूठे हो तुम, बात बात पे झूठ बोलते हो। देखो नया, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ कि तुम्हें हर बात की सफाई देते रहो। वैसे ही परेशान हो और तुम मुझे और पागल बना दोगी। तुम बीवी हो क्या आफत? जासूसी करती रहती हो, कभी यहाँ फोन तो कभी वहां फोन तो कभी दफ्तर में फोन। समझ के रखा तुमने मुझे? प्लीज प्लीज कभी तो शांति से रहने दो मुझे। शांति से रहने दो मुझे? अरे अगर तुम भरोसे के लायक आदमी होते तो तुम्हारी जासूसी करनी पड़ती क्या? खैर वो मेरी अंगूठी लाए हो। सॉरी नेहा, वो लगता है कि मैं अंगूठी शायद ऑफिस में भूल आया हूँ, कल ले आऊंगा। बीबी तो तुम्हें याद रहती नहीं, अंगूठी कहाँ से याद रखोगे? जाओ अभी लेके आओ। नेहा प्लीज, ऑफिस अभी बंद हो चुका होगा, कहाँ ना कल ले आऊंगा। अचानक सामने आ गए कि क्या आप भी उस खून के बारे में? खून? किसका खून? लो आप भी आ गए। अरे किसी ने 312 वाली लेडी का खून कर दिया है। अरे बाप रे बाप, इतने भयानक ढंग से खून किया है कि मिसेस राजेंस का। अरे शरीफ मत बनो, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे उसे जानते नहीं थे। तुम्हारी हमारी बात छोड़ो, आधी बिल्डिंग वाले उसी के चक्कर में थे। अच्छा ये बताओ तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने नीचे से लोगों को खून की आवाज को सुना तो मैं चला आया देखने। सुबह सुबह 5 बजे तुम हमारी बिल्डिंग के नीचे क्या कर रहे थे? तुम तो ए ब्लॉक में रहते हो ना? सब अच्छी तरह से इकट्ठा कर लो। कोई फिंगरप्रिंट्स मिले? हाँ सर, यहाँ पर कुछ निशान है। गुड। उसने अचानक ये हमला करने की कोशिश की तो इन्होंने वो एस्ट्रे मारकर अपने आप को बचाने की कोशिश की होगी। सर लगता है ये कोई मामूली खूनी नहीं है,
जिस तरह पहले सर पे वार किया गया, फिर चाकू से वार किए गए, तोड़फोड़ की गई। बॉडी स्ट्रेचर पर डालो। ए, पीछे हटो। चलो बॉडी उठाओ। कह रही थी कि डी ब्लॉक की तीसरी मंजिल पर एक पागल ने किसी औरत को मार डाला। हाँ, मुझे मालूम है। बाहर लोग बात कर रहे थे। हे भगवान, सोच के भी डर लगता है। कल रात मैं घर पे अकेली थी। अगर वो पागल यहाँ आ जाता और मुझ पर हमला कर देता तो तुम्हें तो मेरी जरा भी परवाह नहीं। अरे तुम तो कह रहे थे कि अंगूठी ऑफिस बुलाया, फिर ये क्या है? मैं कह रहा था ना कि मैं तुम्हारी अंगूठी ज्वेलर के यहाँ से ले आया था, लेकिन तुम्हें तो यकीन नहीं हो रहा था ना। तुम ये क्या क्या करते हो? आखिर तुम्हें हो क्या गया है? अरे मैं नशे में भूल गया होगा कि पैंट की जेब में नहीं बल्कि मैंने कोट की जेब में रखी होगी, और क्या है? तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हो। ये लो संभालो इसे। इंस्पेक्टर साहब, आप तो आप यहाँ रहते हैं? जी हाँ, लेकिन आप यहाँ पर कैसे? बस रूटीन इन्वेस्टिगेशन, कुछ खास नहीं। सबके यहाँ पूछताछ हो रही है तो आपके यहाँ भी आ गए। वो उसी औरत के बारे में जिसका खून हो गया, क्या ये सच है कि किसी पागल ने उसे मार डाला और उसकी नाक भी काट दी? और या आप उसे जानती थी? जानती? मैं तो ऐसी औरत की सूरत भी नहीं देखती। जाने कितने दोस्त थे उसके। हाँ? हमने भी कुछ ऐसा ही सुना है। By the way, Mr. आशुतोष, क्या आप उस औरत को जानते थे जिसका खून हो गया? जी हाँ, जानता था और नहीं भी जानता था। मेरा मतलब है कि मैं इतनी अच्छी तरह से नहीं जानता था। एक आध बार मुलाकात हुई होगी, आखिरकार हम लोग एक ही सोसाइटी में रहते हैं ना। कल रात 2 बजे तो उनके घर नहीं गए होंगे मिलने के लिए। जी, मैं क्यों जाऊंगा उसे मिलने के लिए? क्यों जाऊंगा मैं? तो कल रात 2 बजे आप कहाँ थे? जी, मैं सुमेश चंद्र के घर पर था, जो ई ब्लॉक में रहता है, मलिका के बगल वाली बिल्डिंग में। मेरा मतलब कि मिसेस राजेश के बगल वाली बिल्डिंग में जो रहता है। और लौटते समय आपने कुछ नहीं देखा होगा? जी नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। मुझे भी यही लगा था। ये चोट आपको कैसे लगी? जी ये मैं बाथरूम में फिसल गया था तो लग गई थी। बाथरूम में? हाँ, यही तो कहा था मैंने कि बाथरूम में फिसल गया था, इसीलिए लग गई। ऐसा तो नहीं आपकी बीवी ने एस्ट्रे दे मारी हो आपके मुंह पर? और एस्ट्रे? इंस्पेक्टर साहब, मेरी बीवी मुझे एस्ट्रे क्यों मारेगी? मैं तो सिगरेट पीता भी नहीं। पूछे मेरे पति से, क्या मैं सिगरेट पीता हूँ? नहीं। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे? डोंट वरी, चिंता की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं मतलब? एक पागल खूनी आजाद फिर रहा है और आप कह रहे हैं चिंता की जरूरत नहीं? अगर उसने दोबारा किसी पे हमला कर दिया तो? मैडम, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। हमें उस घर में काफी फिंगरप्रिंट्स मिले हैं और हो सकता है उनमें से एक उस खूनी के हों। फिर मिलता हूँ। आशुतोष, कल राजा तू मलिका के घर पर गया था कहीं? तूने तो मेरा मतलब है समेश, मैंने उसका खून नहीं किया, प्लीज। तो फिर इतनी टेंशन क्यों है? कुछ और गड़बड़ है क्या? पुलिस को अगर वहां पर मेरे फिंगरप्रिंट्स मिल गए और उन्होंने मुझे मर्डर में फंसा दिया तो? अरे अकल के अंधे, एक घर में सैकड़ों फिंगरप्रिंट्स हो सकते हैं और फिर पुलिस तो उन फिंगरप्रिंट्स को ढूंढेगी जो उनके रिकॉर्ड्स में है। हो सकता है मेरे फिंगरप्रिंट्स भी वहां पर हों। क्या? तेरे? हाँ यार, एक दौर मैं भी उसके घर पर गया था। उसे कुछ फर्नीचर में हेल्प की जरूरत थी तो मैं चला गया था। तू फिक्र मत कर, अगर पुलिस पूछेगी ना तो मैं कह दूंगा कि हम दोनों उसकी हेल्प के लिए गए थे। हाँ,
सर, ये तो मर्डर वेपन लगता है और इस पर किसी के उंगलियों के निशान भी हैं। एक बार पता चल जाए कि किसकी उंगलियों के निशान हैं, फिर पागल खूनी हमारी गिरफ्त में होगा। बच गए यार, अच्छा हुआ पुलिस को वो चाकू मिल गया जिस पर कातिल की उंगलियों के निशान हैं। अब पुलिस किसी और के फिंगरप्रिंट्स नहीं ढूंढेगी। मैं तो तुझे पहले ही कह रहा था यार, घबराने की कोई बात ही नहीं है। हाँ? मुझे तो अभी भी टेंशन है। अब किस बात की टेंशन यार, हेलो, हाँ नेहा, हाँ है, हम लोग तो यूं ही बस बैठे हैं। हाँ एक मिनट, हाँ बोलो। अरे दो मिनट टाइम से नहीं बैठने दोगी क्या? पुलिस आई है? जस्ट रूटीन क्वेश्चंस, बस मामूली सी पूछताछ। क्या वो पागल खूनी पकड़ा गया? अब तो आपके पास उसके फिंगरप्रिंट्स भी हैं? हाँ, फिंगरप्रिंट्स हैं हमारे पास, लेकिन हमारे पुलिस रिकॉर्ड के किसी भी अपराधी के फिंगरप्रिंट्स के साथ वो नहीं मिलते। ये कोई नया ही आदमी लगता है। मिस्टर आशुतोष, वैसे मैं आपके पास कुछ और ही पूछने के लिए आया हूँ। हाँ पूछिए। कल सुबह आप उस फ्लैट में आए थे ना? मैंने आपको देखा था। हाँ हाँ, आया था मैं। वहां लाश के हाथ में एक अंगूठी थी। अंगूठी? हाँ, ये अंगूठी इस फोटोग्राफ में साफ नजर आ रही है, लेकिन अब वो अंगूठी गायब है। ये तो अच्छा हुआ कि हमारे फोटोग्राफर ने ये फोटो खींच ली। नहीं, मैंने ऐसी कोई अंगूठी नहीं देखी। हाँ, नहीं देखी मैंने। ये क्या कर रही हो तुम? ये कब गिरा दो, गिला मुझे दे दो। लीजिए इंस्पेक्टर साहब, कॉफी पीजिए। आप लोग इतना नर्वस क्यों हो रहे हैं? नर्वस? एक खूनी इतने दिनों से आजाद फिर रहा है और आप अभी तक उसे पकड़ नहीं पाए। मैडम, आप इतना डर क्यों रही हैं? आपके पति आपका ख्याल रखेंगे ना? क्यों मिस्टर आशुतोष जी, वो तो रख ही रहा हूँ। क्यों नहीं? पति अगर ख्याल रख सकते तो डर की बात ही क्या थी। मतलब? जी वो तो ऐसे ही बस। ये अक्सर देर से घर आते हैं, मैं ज्यादातर घर पे अकेली होती हूँ। अरे और भी तो औरतें हैं, तुम अकेली थोड़ी हो। तुम इतना डरती क्यों? वो खुद ही तुम्हारे पास ही क्यों आएगा? तो फिर वो उसी के पास क्यों गया? उसने उसी की नाक क्यों काट दी? उसकी लाश का पुर्ता क्यों बनाया उसने? आप अभी तक उसे पकड़ क्यों नहीं पाए? वो हम सबको मार देगा। आप उसे क्यों नहीं पकड़ रहे? मैडम, अरे देखिए, घबराइए नहीं, हर घर में कैसे बैठ सकता हूँ मैं? हर घर के बाहर कांस्टेबल नहीं बैठा सकता। आप अपने घर के दरवाजे बंद रखिए और किसी अजनबी को अंदर मत आने दीजिए। मुझे कोई नहीं बचा सकता, मुझे कोई नहीं बचा सकता। वक्त पे आ जाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं क्या करता? वो इस तरह से चीखने लगी, चिल्लाने लगी कि मैं डर सा गया। आपको बुलाना ही पड़ा। डोंट वरी, इट्स ऑल राइट। उसे हिस्टीरिया का अटैक आया था। हिस्टीरिया? हाँ, वो बुरी तरह से डर गई है। उसे यकीन सा हो गया है कि अगला कत्ल उसका होने वाला है और इसी डर की वजह से उसके दिमाग का फ्यूज थोड़ा उड़ सा गया है। लेकिन आप कुछ तो कीजिए ना डॉक्टर साहब, उसकी इस तरह की हालत मैंने कभी देखी नहीं। देखो, एक डॉक्टर होने के नाते मैं किसी भी बीमारी या रोग का इलाज कर सकता हूँ, लेकिन इस डर का तो इलाज नहीं कर सकता। जब से मिसेज राज हंस का कत्ल हुआ है, तुम्हारी बीवी क्या, सोसाइटी का हर कोई अपने साये से डरने लगा है। पिछले 20 साल से यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन इस सड़क को इतना सुनसान मैंने कभी नहीं पाया। लेकिन डॉक्टर साहब, कुछ तो करना ही होगा ना, ऐसे कब तक चलेगा? वैसे तो मैंने नींद का एक इंजेक्शन दे दिया है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। फिर भी दोबारा अगर दौरा पड़ जाता है तो मैं कैप्सूल देता हूँ।
ये तोड़कर इसका पाउडर उसे दे देना। थैंक यू डॉक्टर साहब। नींद के साथ साथ दिमाग भी शांत हो जाएगा। इसे लेते ही एक मिनट में नींद आ जाएगी और जब वो उठेगी तो अपने आप को एकदम तरोताजा पाएगी। डॉक्टर साहब, क्या आपको भी लगता है कि कोई पागल खूनी वाकई में है? जब पुलिस खुद असलियत का पता नहीं लगा पाई है तो मैं क्या कहूँ। लेकिन जिस तरह से मिसेज राजहंस का कत्ल हुआ है, हम तुम वो पागल खूनी के अस्तित्व से इनकार नहीं कर सकते। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो पागल खूनी कभी भी किसी पे भी हमला कर सकता है। किसे मालूम क्या होने वाला है, लेकिन जब तक पुलिस वो पागल खूनी को पकड़ नहीं लेती, मैंने अपनी बीवी का घर से बाहर निकलना रात को बंद करवा दिया है। अपनी बीवी का ख्याल रखो। चलो, चलता हूँ मैं। गुड नाइट डॉक्टर साहब। गुड नाइट। इस पागल खूनी का तो पता नहीं, लेकिन अगर मैंने इस मौके का फायदा नहीं उठाया, सबसे बड़ा पागल मैं कहलाऊंगा। अब की बार ये पागल खूनी हमला नहीं करेगा, हमला मैं करूंगा, मैं, मेरी प्यारी बीवी नेहा पर। आपने शायद दूसरी बिल्डिंग वाले किसी पड़ोसी को देखा होगा जो अपने घर लौट रहा होगा। अरे अजीब औरत है, यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है और ये इतनी डरी हुई है कि डर के मारे अपनी सारी चीजें छोड़ के भाग रही है, मानो उसने किसी भूत को देख लिया हो। अरे मुखर्जी, उसका दोष नहीं है, सारी सोसाइटी डरी हुई है, ऐसा लग रहा है एक साथ में सभी को हिस्टेरिया का अटैक आ गया हो। इस पागल खून के बारे में तो मैं कुछ नहीं जानता, पर अपनी सोसाइटी के कॉम्प्लेक्स का हर आदमी धीरे धीरे जरूर पागल होता जा रहा है। डर के मारे सभी की जान निकली हुई है। अरे छोड़ सब बात, चल मैं दारू पीने जाता हूँ, मुझे 9:30 बजे घर पे वापस आना है। उसके बाद घर में आया ना तो मेरी बीवी दरवाजा खोलने वाली नहीं है। अब तू आ रहा है कि तू भी डर के मारे घर में ही घुसने वाला है? कैसी बात कर रहा है। अच्छा ऐसा कर, तू चल के बाहर में बैठ, मैं 10 मिनट में घर से कपड़े चेंज करके आता हूँ। ओके। लाश को जब एम्बुलेंस में रख रहे थे तब तब उसके ऊपर से चादर फिसल गई थी। पास खड़ी भीड़ में पड़ोस की मीना तो बेहोश हो गई। वहाँ पर एक फोटोग्राफर खड़ा था, उसने फोटो ले ली और पुलिस के लाख मना करने के बावजूद पेपर में छाप दी। कल रात मैं बाजार से आ रही थी, मुझे लगा कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है। वैसे भी अपनी बिल्डिंग का रास्ता कितना सुनसान है, मैं अब बाहर नहीं निकलने वाली कभी। मगर अपनी बिल्डिंग के बाहर तो गुरखा होता है ना। वो तो पहले भी था, कहीं वो ही तो नहीं है खूनी। मुझे उसका चेहरा कभी पसंद नहीं आया, मुझे लगता है अपनी बिल्डिंग में से ही एक है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, मैं तो अब किसी को अपने घर में घुसने नहीं दूंगी। मेरे हस्बैंड तो वैसे भी ज्यादातर बाहर ही रहते हैं, कुछ कोई सबसे पहले हमला होने के चांसेस है। उसकी कटोरी ना साफ दिखाई दे रही थी, औरत थी ही ना करवाने लायक। मगर इतने दिनों से तो कुछ नहीं हुआ, पूनम की रात थी उस दिन, मतलब वो रात फिर आने वाली है। क्या बकवास है, देख लेना, तब तक कुछ नहीं होगा, होगा तो उसी दिन होगा जब पूनम की रात होगी। दरवाजे खिड़कियां बंद रखना, हमें से किसी का भी नंबर लग सकता है, किसी की भी नाक कट सकती है, किसी की भी लाश की हालत मल्लिका जैसी हो सकती है। मेरी ही लाश की होगी, मेरी ही नाक कटेगी, मेरा ही नंबर है। हाँ, तेरा ही नंबर है, तेरी ही बारी है नेहा। मुझे तो डर है कि पूनम की रात को ये पागल खूनी फिर हमला कर देगा। इसमें कोई शक है क्या? वो कहावत है ना कि शेर के मुंह को एक बार इंसान का खून लग जाए तो वो आदमखोर कहलाता है। फिर ये तो पागल है, पागल। अच्छा मुझे ये बता कि इस बार किसका नंबर लगने वाला है? मगर जी, तू तो ऐसी बात कर रहा है जैसे मौत नहीं कोई लॉटरी का नंबर लगने वाला है क्या? अरे क्या बात करता है यार,
लॉटरी थोड़ी मौत मौत लॉटरी होती है क्या? यही तो बात है बॉस, किसी का भी नंबर लग सकता है, किसी का भी। वो मिसेस स्वर्णा का, मेरी बीवी, मैंने कहा तेरी बीवी का, किसी का भी लग सकता है। वो पागल खूनी अगर मेरी बीवी का खून करता है ना, तो मैं तो साला दिवाली मनाएगा। पागल हो गया क्या? कैसी बात करता है तू? अरे तू नहीं जानता है मेरी बीवी को, रोज रोज की किच किच, रोज रोज की किच किच। तुम दारू बहुत पीते हो, पैसा बहुत कम कमाते हो, ये करो वो करो ये मत करो, और रोज रोज की ताने बाजी शिकायतें। मैं तो तंग आ गया हूँ इन सब से। मैं तो ये सोचता हूँ कि मैं ही क्यों ना उसका खून कर दूं। जी, ऐसे काम करने के लिए बहुत बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है। तेरे भाई की जरूरत होती है, तेरे भाई की जरूरत पड़ती है। शायद तू ठीक कह रहा है, मेरा दिमाग अभी फिर गया है। मुझे 9:30 बजे घर पे पहुंचने का था, और देख 9:15 तो बज भी गए। बगर जी 9:15 नहीं, 10 बज गए 10। हे भगवान, देख फिर से मेरी घड़ी बंद हो गई है। आज मुझे घर पे बहुत गालियां सुननी पड़ेगी, बहुत धुलाई होगी मेरी। डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा मुझे, मर गया मैं। इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है, फिर भी दोबारा अगर दौरा पड़ जाता है तो मैं कैप्सूल देता हूँ, ये तोड़कर इसका पाउडर उसे दे देना, इसे लेते ही 1 मिनट में नींद आ जाएगी। क्या हो गया तुझे, पागल हो गई इतना हंस रहा है तू? वो कुछ नहीं यार, वो एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, उसका हल ही नहीं मिल रहा था, वो अभी जाके मेरे को उसका हाल सुझा है। ये चुटकिया में सवाल हो जाएगा। लगता है अपना नंबर है। नहीं नहीं, इतना डरने क्या बात है, ये सारी इमारत यहाँ क्यों जमा है? हम लोग उस खून के बारे में जानना चाहते हैं, अब तक क्या किया आपने? कुछ खास नहीं, इन्वेस्टिगेशन जारी है। आपको लगता है वो सच में पागल खूनी है? कह नहीं सकते, लेकिन जिस तरह से उसे चाकू से वार किया, उसके बाद उसकी नाक काट डाली, से तो यही लगता है। हे भगवान, वो पागल खूनी हमारी बिल्डिंग में घुसता था। अरे भाई चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? अब 1 महीना होने को आया है, मुझे यकीन है कि अब ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा, आने वाली पूनम की रात को भूल रहे हैं आप? पूनम की रात? उसके इस खून से क्या लेना देना? कहते कि पूनम की रात को इंसान के दिमाग पे कुछ अजीब सा असर होता है, वो पागल हो जाता है और किसी का खून भी कर सकता है, ऐसा कहा जाता है। पर वो चाकू तो आपको मिल चुका है ना, फिर भी उसके मालिक को आप पकड़ नहीं सकते? देखिए, वो एक मामूली सा चाकू, किसी भी फुटपाथ पे आराम से मिल सकता है, इससे कुछ पता नहीं चल सकता। लेकिन वो चाकू पे पाए गए उंगलियों के निशान, क्या उससे भी कोई सुराग नहीं मिलता? कोई सुराग नहीं, वो किसी से मैच ही नहीं करता। मुझे लगता है वो औरत उस खूनी को जरूर जानती थी। खैर, आप लोग जाइए, मैं आज ही आपकी बिल्डिंग के बाहर एक हवलदार को पहरे पे बैठाता हूं, देखते हैं कैसे बच के जाता। सब तैयारी हो गई? यस सर। देखो, हम अभी तक नहीं जान पाए हैं कि खूनी सोसाइटी के बाहर का आदमी है या सोसाइटी में से है कोई, इसलिए कॉम्प्लेक्स के अंदर और बाहर दोनों तरफ आदमी तैनात रखो। इस वक्त 6 लोग ड्यूटी पर तो हैं सर। हाँ, हर बिल्डिंग के बाहर आदमी बैठाओ। ये सोसाइटी के बाहर की रोड में कोई है? वहाँ पर 2 आदमी अलग से पेट्रोलिंग कर रहे हैं सर। गुड, बिल्डिंग के बाहर तो आदमी बैठाओ ही, सोसाइटी की हर बिल्डिंग में भी राउंड लगाओ और चेक करो कि हर कोई अपने अपने घर पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया। लेकिन सर, मुझे नहीं लगता कि आज की रात कोई भी अपने घर से बाहर निकलने की हिम्मत करेगा। उस पागल खूनी की डर की वजह से हर आदमी अपने घर के दरवाजे खिड़कियां बंद करके सोया होगा। फिर भी सेफ्टी के लिए मैं चाहता हूँ पेट्रोलिंग अंदर बाहर दोनों जगह होनी चाहिए। अरे नेहा, ये सब क्या कर रही हो, सारी खिड़कियां बंद कर रही हो, खोल दो इन्हें, पूरे कमरे में घुटन हो जाएगी। होने दो घुटन, तुम्हें मालूम नहीं आज पूनम की रात है और वो पागल अभी तक पकड़ा नहीं गया। अरे ये क्या,
तुम तो यहाँ रुके कहाँ जा रहे हो? हाँ यूं ही बगल वाली बिल्डिंग में सुमेश के यहाँ पर, उसने बुलवाया तो मुझे। तुमने मुझे प्रॉमिस किया था तुम मुझे अकेले छोड़कर नहीं जाओगे, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अरे छोड़ो ये सब पूनम की रात वगैरह की बातें, पागल हो गए हो? मतलब तुम नहीं रुकोगे? अरे भाई आ जाऊंगा थोड़ी देर में। तो जाओ, वैसे भी तुम्हें मेरी कौन सी परवाह है, तुम तो खुश होगे ना, मैं मर जाऊंगी तो? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर तुम्हें थोड़ा सा भी डर लगे या कहीं से आवाज भी अगर हो तो मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा। चलो गुड नाइट। जाओ। खुली पकड़ा नहीं? हाँ साहब, बहुत चालू दिखता। ठीक बोल रहे साहब। क्या अपना साहब बिना? अरे साहब किधर जा रहे हो? घर के सारे लोग दरवाजा बंद करके बैठे हुए हैं उस पागल की वजह से। अरे मैं किसी पागल वागल से नहीं डरता। अच्छा जरा घर का ख्याल रखना, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। मैम साहब। हाँ जी। चलो बैठते हैं। मजा आ गया। यार एक एक और हो जाए। बस बस। अरे यार। अरे वैसे बहुत पी चुके हैं और घर पे नया मेरा इंतजार कर रही है, चलता हूँ। अरे छोड़ यार, अभी टाइम ही क्या हुआ है? अरे अभी तो 11 ही बजे। ये बना एक बात तो बता, आज तेरी बीवी के लिए इतना प्यार कैसे आ गया? अच्छा अच्छा देख, मैं एक छोटा सा बना रहा हूँ, सिर्फ वो छोटा छोटा फादर रोल। यस यस, मैं अभी आता हूँ। तू किधर जा रहा है? मैं वो अभी आता हूँ। लवली पैक। ओके ओके समेश। गुड गुड सुरेश आया, ये ले। थैंक यू। नाउ बटन। ओके चेयर्स। फिनिश। आवाज अभी और नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं बोला ना तेरे को। चल चल जा। समेश। ये समेश। समेश। आशुतोष इतनी जल्दी वापस आ गए? हाँ, आ गया। ये क्या, तुम्हारी आंखें ऐसी क्यों हो रही हैं? आंखें क्या हुआ है मेरी आंखों? और तुम्हारे हाथ, तुमने हाथ पीछे क्यों छुपा रखे हैं? तोहफा लाया हूँ तुम्हारे लिए, जरा उस तरफ देखो। Thank you.
सुमेश, ए सुमेश, ए उठना, क्या हो गया तेरे को? मुझे लगा मैं सो गया था। तू कहाँ सो गया था यार? तू मेरे को चेस बोला, बॉटम से बोला, मारा और लड़ा गया। अभी तो 11 ही बजे। हाँ। अरे यार। तो ठीक है ना? हाँ, यस। और सुन, ये तेरी जलती सिगरेट है ना, उसको उठा। अच्छा। ये ले। हाँ। इसको कभी जलती रख के नहीं सोने का, हाँ? समझा गया? Very dangerous, very dangerous। हाँ। और मैं तो बोला था ना वो नया मेरा वेट कर रही है, मैं जाता हूँ। हाँ। हाँ, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ, लेकिन सुन। हाँ। मैं तुझे बाहर तक छोड़ के आता हूँ। अरे अरे मैं चलता हूँ, ये जो सर चकरा रहा है, बाहर जाऊंगा, ठंडी हवा में ठीक हो जाएगा। अच्छा चल, चल। अरे लेकिन यार मैं जरा मुंह धो के आता हूँ। ओके, तू जाना नहीं यार, जाने जा, चल जल्दी आ, चल। जाना नहीं, हाँ जाना नहीं। शंकर, सब ठीक है ना? जी सब। कोई लफड़ा नहीं ना? नहीं। हाँ, सलाम सर। नमस्कार। अरे यार, पेड़ा पी के आ जाते हैं। हमारा साहब लोग भाई। अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छा, सुमेश, थोड़ी देर के लिए ऊपर चला। यार बहुत लेट हो गया यार, अब नया भी सो गई होगी अब। नहीं, तकलीफ किस बात की है? देख, तो एक एक कप कॉफी पीते हैं, तूने बहुत पी रखी है, वो अच्छी होगी तेरे लिए। चल चल चल। तो रुक, मैं देखता हूँ कि वो सोई हुई कि नहीं है। क्या हुआ? Oh no! अरे सुमेश, देख मेरी नेहा को कोई मार के चला गया। बिल्कुल वैसे ही कत्ल हुआ है, वैसे ही नाक काटी गई, एक ऑर्डिनरी किचन नाइफ से। वही पागल, उसे मालूम था। आशुतोष, लेकिन मैंने उसके एक बात से, संभालो अपने आप को, उसे अकेला छोड़ के चला गया इसके यहाँ पर। कसम है, आज के बाद में अगर बोतल को हाथ भी लगाऊ तो उसी की वजह से मेरी नया छोड़ के ही ना। इन्हें जरा बाहर ले जाइए। चलो बाहर, चलो आशुतोष, चलो बाहर। उधर देखिए। क्या हो गया? पांडे? यस सर। जरा वो मिसेस मलिका राजहंस मर्डर केस की फाइल लाना। ओके सर, अभी लाया। और लाश का फोटो देखना चाहता हूँ जिसमें वो रिंग साफ दिखाई दे रही है और बाद में वो रिंग गायब हो गई। ये रहा दादा, बिल्कुल ठीक ठीक। ये रिंग हमें आशुतोष की बीवी की डेड बॉडी से मिली और ये फोटोग्राफ उस रिंग का है जो मलिका राजहंस के हाथ में थी, बाद में गायब। दोनों एक जैसे लगते हैं। हाँ, लेकिन सवाल यह है कि ये रिंग आशुतोष की बीवी के पास कैसे पहुंची? लगता है जिसने भी इसे पहना वो मारा गया। दोनों औरतों ने जिन्होंने ये रिंग पहनी, आशुतोष की बीवी और मलिका राजहंस,
इन दोनों के बीच में कॉमन बात क्या थी? सर आशुतोष। करेक्ट, आशुतोष। उसके पास तो सॉलिड एलिबाई है, सॉलिड सबूत। जब उसकी बीवी का खून हुआ उस वक्त वो अपने दोस्त सोमेश के घर में था। एलिबाई घड़े जा सकते हैं, सबूत बनाए जा सकते हैं, बनाते हैं सबूत। आशुतोष बहुत ही होशियार आदमी है। सर हाँ, वो फिंगरप्रिंट रिपोर्ट लाए। लाए सर। ये देखिए सर, ये वो फिंगरप्रिंट है जो हमने मिस्टर आशुतोष मचाल करके घर से उठाया था, और ये वो फिंगरप्रिंट का निशान है जो हमने उस चाकू से बरामद किया था जिससे मिसेस मलिका राजहंस का कत्ल किया गया था। आप इन पे एक नजर डालिए सर, और जरा इन्हें कंपेयर कीजिए। मिस्टर आशुतोष, अगर आपकी बीवी की मौत नहीं हुई होती तो हमें मलिका के खूनी का पता ही नहीं चलता। क्या इसका मतलब है कि मलिका का कातिल पकड़ा गया? ये वही है ना जिसने नेहा का भी खून किया, उसी तरह से उसकी नाक काटी, उसके ऊपर वार किया, वही ना? तो फिर कौन है? मलिका का खूनी मिला मगर मुर्दा मिला। क्या मुर्दा? मलिका का खून आपकी बीवी नेहा ने किया है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मेरी बीवी उसका खून क्यों करेगी? क्यों उस बेचारे को बदनाम कर रहे हैं आप? क्योंकि उस बेचारी की उंगलियों के निशान मलिका के घर में और उस चाकू में मिले जिससे मलिका का खून किया गया। पिछले दो दिन से हम यही तहकीकात कर रहे हैं। अगर आपकी बीवी की मौत नहीं हुई होती तो हमें उसके फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते, और सारे घर में उसी के फिंगरप्रिंट्स हैं। नेचुरली वो यही रहती तो उसके फिंगरप्रिंट्स यहीं पर मिलेंगे। मुझे पहले ही लग रहा था कि लफड़ा इसी घर से हुआ, मगर मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मलिका का कातिल तुम्हारी बीवी। एनीवे, आपकी बीवी के कत्ल के जश्न में आपको भी शरीक कर लेता हूं। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं अपनी पत्नी का खून क्यों करने लगूंगा? क्योंकि आपकी बीवी को पता चल चुका था कि आपको मलिका के बीच संबंध थे, फिर वो पागल खूनी का ड्रामा। उसके बाद आपकी बीवी ज्यादा डरने लगी, फिर आपने सोचा क्यों ना मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लूं। फिर आपने बिल्कुल उसी तरह अपनी बीवी का खून किया जिस तरह आपकी बीवी ने मलिका का खून किया था। जब कोई पागल खूनी नहीं है तो फिर आपकी बीवी का कातिल आपके सिवा दूसरा कौन हो सकता है? मिस्टर आशुतोष, आपका खेल खत्म। आहट के और भी डरावने और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।